देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण क्या होता है। दोस्तों शुरू करते हैं। ज़मीन से सूरज ग्रहण का फासला चाँद के फासले से 400 गुना ज़्यादा है, इसलिए मुमकिन है कि चाँद सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक छुपा लेता है और ज़मीन से देखने वाले सूरज का मुकम्मल तौर पर देखने से कासिर हो जाते हैं। ज़मीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब दौरान गर्दिश चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आता है और सूरज का मुकम्मल हिस्सा या कम हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है और चाँद का साया ज़मीन पर पड़ता है और ये साया हर वक्त हर इलाके में नहीं पड़ता। सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आता है और इसका दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट और 40 सेकंड तक होता है। अलबत्ता जल्दी सूरज ग्रहण साल में कितनी मरतबा देखा जा सकता है। 1999 का मुकम्मल सूरज ग्रहण जो यूरोप में काबिले दीद था, तारीख का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सूरज ग्रहण अब तक का है। उसके बाद करते हैं हम मुकम्मल सूरज ग्रहण की। ये इस वक्त लगता है कि जब चाँद का फासला ज़मीन से उतना हो कि जब वो सूरज के सामने आए तो सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाए, क्योंकि चाँद और ज़मीन के मरकज बेस भी हैं, इसलिए चाँद और सूरज का फासला ज़मीन से बदलता है तो बाज़ औक़ात जज़्वी सूरज ग्रहण देखने को मिलता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के वक्त चाँद का फासला ज़मीन से नस्बता कम होता है और इसमें सूरज मुकम्मल तौर पर छुप जाता है और अंधेरा ज़्यादा हो जाते हुए और दिन के वक्त सितारे भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।